अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे अपवर्क टैलेंट बैजेस के अबाउट कि वो क्या है और क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अपवर्क आपको डिफरेंट बैजेस असाइन करता है आपके प्रोफाइल के ऊपर अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस ऑन अपवर्क, कि कितने आपने अर्निंग कर चुके हैं, कितना अर्सा हो चुका है आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर और कितने फाइव स्टार क्लाइंट आपने डील किए हैं, कितने अच्छे तरीके से आप अपवर्क पे क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हैं। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और मज़ीद इसे समझते हैं कि किस तरह से ये काम करता है और किस तरह से ये नज़र आता है। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। अगर मैं यहाँ पर सिंपल कोई सर्च करूँ, लेट्स सपोज टैलेंट, और मैं यहाँ पर सर्च करूँ वर्डप्रेस के रेलिवेंट मुझे कोई बंदा चाहिए, तो यहाँ पर देखें काफ़ी सारे जो फ्रीलांसर हैं अवेलेबल, और यहाँ पे देखिए इनके साथ एक बैज है टॉप रेटेड प्लस, ठीक है, टॉप रेटेड प्लस, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे देखें देन अगेन टॉप रेटेड प्लस, मतलब डिफरेंट बैजेस लगे हैं। टोटल 4 बैजेस ऑफर करता है अपवर्क। यहाँ पे देखें आप राइजिंग टैलेंट, जो कि एक बेसिक होता है, न्यूली फ्रेश बंदा आता है, वो अगर अच्छे से परफॉर्म करता है तो उसको अपवर्क जो है राइजिंग टैलेंट देता है, उसके लिए किसी जॉब सक्सेस की रिक्वायर्ड नहीं है। टॉप रेटेड सेलर, टॉप रेटेड प्लस सेलर और एक्सपर्ट वेटेड टैलेंट, तो ये 4 तरह के बैजेस हैं और इनका क्राइटेरिया यहाँ पे आप देख सक रहे होंगे कि जॉब सक्सेस कोई रिक्वायर्ड नहीं है। राइजिंग टैलेंट के लिए 90% जॉब सक्सेस होने चाहिए तब आपको टॉप रेटेड मिलेगा, 90% होने चाहिए तब आपको टॉप रेटेड प्लस होगा, कोई जॉब सक्सेस की रिक्वायरमेंट नहीं है एक्सपर्ट वेटेड की, क्योंकि ये जो अपवर्क है खुद मैनुअली एनालाइज करके इनको असाइन करता है। उसके बाद रिक्वायर्ड एक्सपर्ट प्री स्क्रीनिंग, यहाँ पे देखें इसके लिए सिर्फ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% कम्प्लीट फ्रीलांस प्रोफाइल, यहाँ पे देखें ये इन सब के ऊपर होनी चाहिए। कंप्लाई विद द अपवर्क टर्म्स एंड कंडीशन, ये ऑब्वियसली बात है सबके ऊपर होनी चाहिए। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन अपवर्क वाज मोर देन 90 डेज अगो, ठीक है, ये इनके ऊपर होनी चाहिए। अगर टॉप रेटेड होना है तो 90 डेज ओल्ड आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए लाजमी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है 12 मंथ की अर्निंग एटलीस्ट 1000 होनी चाहिए अगर हमें टॉप रेटेड बनना है या टॉप रेटेड प्लस बनना है। अगर हमारी 12 मंथ की अर्निंग $10,000 होनी चाहिए तो हमें टॉप रेटेड प्लस बन जाएंगे, राइट। तो ये कुछ क्राइटेरियाज थे। और यहाँ पे टू रिसीव टू कीप टॉप रेटेड स्टेटस यू मस्ट हैव अ जॉब सक्सेस स्कोर एटलीस्ट 90% और हैव बीन इन राइजिंग टैलेंट स्टेटस फॉर 13 ऑफ द लास्ट 16 वीक्स, ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो ये टोटल बेसिक क्राइटेरिया था इन बैजेस का, और इन जब भी आपके पास होते हैं तो क्लाइंट आपके पास ट्रस्ट करता है आपके ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये एक्सपर्ट होने की निशानी है और आप एक अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हो मार्केट प्लेस के ऊपर, और आप पर भी आपकी प्रोफाइल को रैंक करता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को दिखाता है आपकी स्पेसिफिक स्किल के रिगार्डिंग, राइट। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि अपवर्क बैजेस किस तरह से काम करते हैं और क्या उनका यूज़ है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।